दोस्तों राखी जन्माष्टमी मीठा खा करके मन तो भर ही गया होगा, क्यों ना हम कुरकुरे टेस्टी और हेल्दी पकोड़े की रेसिपी ट्राई करें। मिनटों में बन जाएंगे ये, घर पर अगर कोई मेहमान आ जाए तो भी फटाफट से बना सकते हैं। तो ये हैं कॉर्न पकोड़े जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो आप पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इसके लिए देखिए हमने लिए हैं ये कॉर्न, मीन्स भुट्टे, मक्का, जो भी आपके यहाँ पर बोलते हैं। अब हम इसके दाने निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना ईजी है इसके दाने निकालना, ये देखिए बस इस तरह से आप इसके दाने निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं करीब यहाँ पर 4 से 5 भुट्टे लूँगी, मीन्स 4 से 5 मक्का लूँगी जिसके मैं दाने निकाल लूँगी। दोस्तों जब तक मैं इसके दाने निकाल रही हूँ तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, आपका एक लाइक और एक कॉमेंट मोटिवेट तो मुझे करता ही है, मैं आप लोगों के साथ में इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो ये देखिए दाने मैंने निकाल लिए हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कॉर्न पकौड़ा कैसा लगता है। तो ये देखिए सभी दाने मैंने निकाल लिए हैं, और अब हमें क्या करना है, इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप चाहें तो इसे हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी जब इसके पकौड़े बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए सारे दाने मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे, तो वो अभी आप वीडियो में आगे देखिएगा। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 प्याज बारीक कटी हुई, 2 प्याज मैंने ऑलरेडी बारीक काट करके रखी हुई है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है बारीक काट करके, और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ कड़ी पत्ते जिन्हें भी मैं काट करके डालूंगी इसमें। तो ये देखिए कड़ी पत्ते मैंने काट रखे हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया, और अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक बारीक कूट करके। लहसुन मैंने इसमें नहीं डाला है, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर अदरक डाल रही हूँ। मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में भी हम बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। दोस्तों एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि आपको ये पकौड़े खा करके मज़ा आ जाएगा। तो देखिए अब हम मसाले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच करीब भुना जीरा पाउडर, और इसके बाद में हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच करीब काला नमक, आधा चम्मच करीब लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो आधा चम्मच मैंने डाल दिया है, और आधा चम्मच के बाद में थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और डाली है। पकोड़ों में थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच करीब चाट मसाला। चाट मसाला आप ज़रूर डालिएगा, बेसन के जब हम कोई भी पकोड़े बनाते हैं तो चाट मसाला ऐड कीजिएगा, और इस तरह भी जब आप पकोड़े बनाते हैं तो चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक। मिक्स कर देते हैं सभी चीज़ों को अच्छी तरह से, ताकि जो मसाले हैं ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो बेसन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, तो ये देखिए जो सर्विंग स्पून होता है ना उससे मैं ये बेसन डाल रही हूँ। तो 3 चम्मच करीब भर करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है बेसन। मिक्स कर देते हैं हाथों की सहायता से, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अब हमें इस तरह से इसे दबाते हुए मिक्स करना है, तो हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये पकौड़े जुड़ने में नहीं आ रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, 1 चम्मच करीब पानी डाल दिया, और 1 चम्मच करीब मैंने पानी और ले लिया। बस इतना ही पानी लगेगा इसमें, इससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, तभी पकौड़े एकदम कुरकुरे बनेंगे। तो ये देखिए किस तरह से मैं हाथों से दबाते हुए इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अब आप इसको इस तरह से हाथों में लेकर के देख लीजिए कि इसके पकोड़े बनने में आ रहे हैं कि नहीं। तो पकोड़े अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, मीन्स अब इसमें बेसन और पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने रखा था, मीडियम गर्म तेल में हमें ये पकोड़े तलने हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, हाई फ्लेम पर और बहुत ज़्यादा गर्म तेल में पकोड़ों को मत तलिएगा, नहीं तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए मीडियम गरम तेल में मैं ये पकोड़े किस तरह से छोड़ रही हूँ। आप चाहें तो कोफ्ते की तरह हाथों से दबा करके भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये इस तरह से ही अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ।
दोस्तों इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप प्लीज़ उन सभी को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आपके यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, कि आपके यहाँ पर पकोड़ों को भजिया बोलते हैं या फिर पकोड़े ही बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने ये पकोड़े तले हैं और पलटते समय आप देख सकते हैं कि मैं कितने हल्के हाथों से इन्हें पलट रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से पलटना है आपको इन्हें, नहीं तो ये पकोड़े पूरे फैल जाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ब्राउन कलर इन पर आ गया है। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे पकोड़े तल लेंगे। आप इन्हें हरे धनिए की चटनी के साथ में, सॉस के साथ में, जैसे चाय खा सकते हैं, चाय के साथ भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हल्की हल्की बारिश तो भी चली रही है सब जगह पर, ज़रूर बनाइए और ये कोन पकोड़ों का मज़ा ज़रूर उठाइए। ये देखिए, सारे पकोड़े मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। थोड़े बहुत दाने अगर निकल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये भी, कुरकुरे हो जाते हैं तेल में। ये देखिए, बस इसी तरह से सारे पकोड़े तलने। तो एक बार तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ इन्हें क्या बोलते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते भी मैं इस तरह से फ्राई करके डालूंगी, मुझे इस तरह से ये तले हुए कड़ी पत्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो है ना दोस्तों, कितनी आसान सी रेसिपी। जब आपका मन करे घर में, जब भी भुट्टे अवेलेबल हो ना, आप ये पकोड़ों का आनंद उठा सकते हैं। तो ये देखिए, सारे कड़ी पत्ते हमने निकाल लिए हैं और अब ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, थैंक यू।